एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज ये जो वीडियो है ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है, बट जस्ट एक मेरे मन की बात है जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि हम लोग एक साथ हैं यूट्यूब पे, तो आप भी मेरी फैमिली हैं, तो मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर थॉट्स हैं वो मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। बस इसी पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, हम लोग जितने भी लोग हैं अलग अलग, जो एक साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो सब लोगों की लाइफ अलग है, सब लोगों का संघर्ष अलग है, खुशी अलग है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अलग है, स्ट्रगल्स अलग हैं, करियर अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, हम अलग अलग शहरों में रहते हैं, हमारी सोच भी अलग अलग है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हर एक इंसान में कॉमन है, हर एक ह्यूमन बीइंग में कॉमन है, और वो ये है कि हम जिस भी स्थिति में अभी हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो स्थिति बेटर हो। चाहे भले ही हम किसी बहुत ही अच्छी स्थिति में बहुत लग्जरियस लाइफ भी जीते हों, या फिर थोड़ी हमारी स्ट्रेस वाली या फिर स्ट्रगल वाली लाइफ हो, जैसी भी लाइफ हो, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान ये चाहता है कि वो इस टाइम पे जिस स्टेज में है या जिस लेवल पर है, उससे कुछ अच्छा करे या उससे कुछ बड़ा करे या उससे अप जाए। हम सब लोग चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अप हों। डाउन होने के लिए कोई नहीं सोचता कि कोई भी पर्सन जिस स्टेज पे अभी है वो उससे नीचे जाए, है ना। तो वो अप जाना करियर में भी हो सकता है, वो अप जाना हमारी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। बट आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, क्योंकि मैंने की है तो आप लोगों ने भी की होगी, कि हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं, कुछ प्लस तो करना चाहते हैं, पर शायद हम उतनी कोशिश नहीं करते उसके लिए। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ज़िंदगी में ऐसा ही कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बदलाव तो चाहते हैं, बट हम खुद को बदलना नहीं चाहते। हम चाहते तो हैं कि अगर हम प्राइवेट जॉब में हैं तो हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, अगर हम किसी भी स्थिति में हैं हम उस स्थिति से बाहर निकलें, कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा करें, चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ हो। बट क्या हम उसके लिए कोशिश करते हैं जितनी करनी चाहिए, या उससे आधी भी कोशिश करते हैं? मैं ये नहीं कहती कि हम लोगों में से सभी ऐसे हैं, बट बहुत सारे हमारे में ऐसे लोग होंगे जो शायद नहीं करते। रीज़न ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, बट जाने अनजाने में हम अपने आप को एक्सक्यूज़ देते रहते हैं। कभी हम टाइम का एक्सक्यूज़ देते हैं, कभी हम हेल्थ का एक्सक्यूज़ देते हैं, कभी हम जो हमारी करंट सिचुएशन है उसको अच्छा समझ लेते हैं कि हाँ चलो ठीक तो है, बट एक्सक्यूज़ देते हैं, और उस वजह से हमारी कंडीशन वैसे ही बनी रहती है। और शायद कई बार ऐसा होता है कि हम जिस स्थिति में होते हैं हम वैसे ही जीकर मर भी जाते हैं। बट ये टाइम ऐसा है कि हमें सच में अपनी ज़िंदगी को, अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सच में स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि अभी हम स्टेप्स नहीं लेंगे तो लाइफ हमेशा हमें मौका नहीं देती है। तो उसी तरीके की एक बात है करियर में, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है और ना ही ये कोई मोटिवेशनल चैनल नहीं है, ये एजुकेशनल चैनल है, तो मैं उसका एग्जाम्पल लेके ही आपको बता सकती हूँ। तो जैसे हम करियर की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है किसी एग्ज़ाम की बात के फॉर्म में, कि हाँ कोई गवर्नमेंट वैकेंसी है, तो हम फॉर्म भी फिल कर लेते हैं, बट हम प्रोकेस्टिनेशन में होते हैं कि हम लोग बस चीज़ों को टालते रहते हैं कि आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कम पढ़ते हैं या पढ़ते ही नहीं हैं। अगर हम वर्किंग है तो हम एक्सक्यूज़ देते हैं अपने आप को कि हम वर्किंग हैं, हमें नहीं टाइम लगता। अगर हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, तो हमें ये लगता है कि यार हमें फैमिली के साथ टाइम लगता, हमें बच्चों के साथ टाइम नहीं लगता। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंडीशन बेटर हो अब से, तो आपको पेन लेना पड़ेगा, आपको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, समय देना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये मेरे साथ भी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई लेक्चर दे रही हूँ, क्योंकि ये मैं भी करती हूँ। मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ, तो मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ देती हूँ कि मैं वर्किंग हूँ, तो यहाँ से जाके मुझे आराम भी करना होता है काम के बाद, तो मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ देती हूँ कि हाँ मैं कैसे पढ़ूँ। बट गलत है ये चीज़, चीज़ें की जा सकती हैं। अगर हम काम से घर जाके कोई मूवी देख सकते हैं, मूवी का प्लान बना सकते हैं, घूमने का प्लान बना सकते हैं, तो हम पढ़ने का प्लान क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, क्योंकि मूवी देखना हमारे इंटरेस्ट का काम है और शायद पढ़ना हमारे इंटरेस्ट का काम नहीं है, इसलिए हम वो नहीं कर पाते। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस भी कंडीशन में हैं, आप जिस भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, माय फ्रेंड, आपको कोशिश करनी ही होगी और मुझे भी करनी होगी, जाहिर सी बात है। तो कोशिश करनी ही होगी, और अगर ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं तो खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को एक्स्ट्रा काम देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा।
तो बस मुझे आपसे यही चीज़ें शेयर करनी थी कि मुझे खुद के लिए ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं लापरवाही कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग भी मे बी ज़िंदगी में इसी पड़ाव पर हैं, तभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो शायद आप लोग भी कहीं ऐसा ना कर रहे हों, इसीलिए मुझे लगा कि आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसका फ़ायदा उठा के उसका कोशिश करनी चाहिए कि हो सकता है उसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी बदल जाए। बाकी अगर आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते होंगे, जो खुद कुछ करना चाहते, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पर्सन गवर्नमेंट जॉब करता है, लोग प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं या लोग अपने बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप जहाँ पर भी हैं उसमें आप कैसे एक लेवल अप जा सकते हैं, ये आपको सोचना चाहिए और उस दिशा में आपको मेहनत करनी चाहिए। बस इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपके इस बारे में कोई भी थॉट्स हैं, आप मेरे से कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।